यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, अचानक क्यों होने लगी इसकी चर्चा और ये दुनिया भर में कहां कहां लागू है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। इन दिनों भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में। भारतीय विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तमाम धार्मिक संगठनों से इस मुद्दे पर उनका सुझाव मांगा है, जिसके लिए 30 दिनों के अंदर सुझाव देने की तारीख तय की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत सरकार द्वारा लाए गए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था करना है, ताकि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ कोई पश्चात ना हो और बिना धर्म जाति या समुदाय के आधार पर सभी के लिए निष्पक्ष कानून की सुविधा प्रदान की जा सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा पंथ निरपेक्ष तथा निष्पक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों पर एक समान रूप से लागू होता है। भारत में विभिन्न धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, जिनके निजी मामलों के लिए अलग अलग धर्म में अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई थी। जैसे कि भारत में मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों के लिए अलग से पर्सनल लॉ की व्यवस्था बनाई गई है, जबकि हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध समुदाय के लिए हिंदू सिविल लॉ समान रूप से लागू होता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा, सभी धर्म के लोग एक समान कानून के अनुसार चलेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समान नागरिक संहिता होता है। वास्तव में यह एक तरह का निष्पक्ष कानून है जो सभी धर्म के लोगों पर एक समान रूप से लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता एक ऐसा कानून है जो सभी धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होता है, या फिर यह कह लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। लेकिन अब भारत सरकार ने एक देश एक कानून की पहल करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का ऐलान कर दिया है, जिस पर सभी धार्मिक संगठनों से 30 दिनों के अंदर उनका सुझाव मांगा गया है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद सभी धर्म के लोगों को एक समान अधिकार मिल जाएगा, उनके लिए एक समान कानून और न्याय की व्यवस्था लागू होंगी। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद 3 तलाक जैसी घृणित समस्या से पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को निदान मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार मुस्लिम समाज में बेटी की शादी की न्यूनतम उम्र 9 साल है, इसीलिए आज बाल विवाह मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुस्लिम समाज की बेटियों को न्याय मिलेगा और उनका बाल विवाह रोका जा सकेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अमेरिका, सूडान, बांग्लादेश, तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इन सभी देशों में यह कानून पहले से लागू है और फायदा आज उनके नागरिकों को मिल रहा है। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की भूमिका समाज सुधार और समान न्याय के प्रावधान में बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत विरासत, विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार जैसे मुद्दे शामिल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद इन सभी मामलों में देश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त होंगे और उनके ऊपर एक समान कानून लागू होगा। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।